नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S20 FE versus Apple iPhone 12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S20 FE में 6.29 इंच जबकि iPhone 12 में 5.78 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि S20 FE से कम है। विड्थ की बात करें तो S20 FE में 2.93 इंच जबकि iPhone 12 में 2.81 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि S20 FE से कम है। बात करें थिकनेस की तो S20 FE में 0.33 इंच जबकि iPhone 12 में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो S20 FE में 190 ग्राम जबकि iPhone 12 में 162 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो S20 FE में सुपर AMOLED जबकि iPhone 12 में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो S20 FE में 20:9 जबकि iPhone 12 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S20 FE में 6.5 इंचेस जबकि iPhone 12 में 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S20 FE में 1080x2400 और iPhone 12 में 1170x2532 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S20 FE में 85.68% जबकि iPhone 12 में 86.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S20 FE में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPhone 12 में 457 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S20 FE में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 12 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S20 FE में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 12 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो S20 FE में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और iPhone 12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S20 FE में Mali G77 MP11 जबकि iPhone 12 में Apple GPU 4-core ग्राफिक्स मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S20 FE में Samsung Exynos 9 Octa 990 और iPhone 12 में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो S20 FE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है, जबकि iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो S20 FE में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iPhone 12 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो S20 FE में अप टू 1 TB जबकि iPhone 12 में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो S20 FE में Android V10 क्यों जबकि iPhone 12 में iOS V14 देखने को मिलती है। बैटरी S20 FE में 4500 mAh जबकि iPhone 12 में 2815 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो S20 FE में 5 कलर्स जबकि iPhone 12 में 6 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
S20 FE में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 37,990 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone 12 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 70,900 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 61,999 रुपीस, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 74,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें एप्पल iPhone 12 की तो उसमें 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में iPhone 12 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में iPhone 12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X60 Pro Plus है, दूसरा Samsung Galaxy M52 5G है, तीसरा OnePlus 9RT है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V23 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।